दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं Honor 75 जो मोबाइल के बारे में, जिसे इंडिया में जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। जहां दोस्तों ये हॉनर का आने वाला बहुत ही शानदार मोबाइल होने जा रहा है। दोस्तों इसके कुछ फीचर की बात करें तो हम इसके स्पेसिफिक की बात कर रहे हैं तो आपको बता दूं मैं, ये एंड्रॉयड 12 पर आधारित होगा। थिकनेस इसकी 7.9 mm की होगी, 178 ग्राम का वेट होगा और जो फिंगरप्रिंट है वो इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट दिया गया है। और दोस्तों इसमें 4K क्वालिटी की HD रिकॉर्डिंग हो सकती है। इसके अंदर पंच होल डिस्प्ले दी गई है। वहीं अगर चिपसेट की बात करें तो दोस्तों आपको इसमें अंदर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 778G प्लस का चिपसेट मिलेगा। 512 GB इनबिल्ट मेमोरी होगी, 4G और 5G कनेक्टिव होगी, USB-C टाइप का होगा और 4800 mAh की बड़ी बैटरी है। 66 वाट का फास्ट चार्जर होगा। रिवर्स चार्जिंग का ऑप्शन भी इसमें दिया गया है दोस्तों। तो ये 4G और 5G कनेक्टिविटी के साथ आता है और इसमें दिया गया है USB-C टाइप का चार्जर। दोस्तों डिस्प्ले की बात करें तो इसकी डिस्प्ले है जो 6.6 इंच की OLED डिस्प्ले दी गई है। वहीं 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है डिस्प्ले को स्मूथ करने के लिए। और इसमें डुअल स्टीरियो स्पीकर दिया गया डॉल्बी एटमॉस के, जो आपकी साउंड क्वालिटी को और भी बेहतर बनाते हैं। यहाँ दोस्तों इसके अंदर सोनी IMX 800 का इमेज सेंसर दिया गया है जो हर एक मोमेंट को कैप्चर करने वाले एवरी डिटेल कैप्चर करेगा। साथ ही इसके अंदर पर्सन ऑटो फोकस ट्रैकिंग का ऑप्शन भी मिलता है और साथ ही सोलो कट व्लॉग मोड भी मिल रहा है दोस्तों। फ्रंट कैमरे की बात करें तो दोस्तों इसके अंदर आपको 32 मेगापिक्सल का मिलेगा सेकेंड, और रियर कैमरा 54 मेगापिक्सल प्लस 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मैक्रो कैमरा मिलने वाला है। तो दोस्तों बहुत ही शानदार मोबाइल होने जा रहा है हॉनर का।